मुझे अच्छी तरह याद है कि जब फर्स्ट टाइम मुंबई आई तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि सर्दी नहीं है लेकिन यहाँ पर फिर भी फूल गोभी मिल रही है, सरसों मिल रही है, ये कैसे हो सकता है। आई थिंक आपने बहुत बार सोचा होगा आजकल जब आप मॉल में जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पर आपको गाजर, मटर, गोभी सब कुछ मिल जाते हैं, मतलब बिना सीजन के, है ना कमाल की बात। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी आपके साथ क्विक सपोर्ट चैनल पर। और बात ऐसी है कि वाकई में कोई भी चौंक जाएगा इन सब के बारे में जानकर कि ऐसा कैसे, लेकिन ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का मेल है जिसने आपके लिए हर चीज बहुत ही आसान बनाने की लगातार कोशिश की है और आगे भी ये कोशिशें जारी रहने वाली है। और इस हैरान करने वाली टेक्नोलॉजी का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जिसने हमारी जिंदगी को काफी आसान बनाया है। वैसे सुनने में लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक नई टर्म है लेकिन असल में इसका इतिहास 10,000 साल पुराना है। और आज साइंस के इस पॉपुलर ब्रांच में करियर ऑप्शन भी काफी सारे हैं। ऐसे में आपको भी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर लेनी चाहिए, इसीलिए क्विक सपोर्ट आज आपके लिए इस वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी, जिसे बायोटेक भी कहा जाता है, साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी शामिल होती है। इस तकनीक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके नए और बेहतर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि प्लांट्स और एनिमल ब्रीड को इम्प्रूव किया जा सके। यानी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए नए और बेहतर प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर चाहे वो पौधों की नई और बेहतर किस्में तैयार करना हो जिनसे अच्छी खेती और बेटर फूड अवेलेबल हो सके, या फिर बेहतर एनिमल प्रोडक्ट्स को तैयार करना हो। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ लेने के बाद अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी खोज कब और कैसे हुई। 1973 यानी कि 1973 में स्टैनली कोहेन और हार्बर्ट बॉयर ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की खोज की। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट शुरू हुआ। बायोटेक्नोलॉजी टर्म देने का क्रेडिट हंगरी के एग्रीकल्चरल इंजीनियर कार्ल एरिकी को जाता है, जिन्होंने 1919 में बायोटेक्नोलॉजी नाम दिया। और इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी को शुरू करने वाली पर्सनालिटी है किरण मजूमदार शॉ, जो कि वर्ल्ड की फेमस बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की फाउंडर है। बायोटेक्नोलॉजी की कई ब्रांचेस होती है, जैसे एक्वेटिक लाइफ से रिलेटेड ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज और एंजाइम से रिलेटेड व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा से रिलेटेड रेड बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नई मेडिसिन की खोज करने, प्रोडक्शन करने और जेनेटिक टेस्ट करने में किया जाता है। ऐसा होने से मेडिसिन पहले की तुलना में काफी आसानी से मिलने लगी है और उनकी रेट्स भी काफी कम हुई है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी को मेडिकल फील्ड में यूज करके बहुत सी जानलेवा बीमारियों की दवाएं भी तैयार कर ली गई है। एग्रीकल्चर में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी मदद से फसल को जल्दी उगाना और हेल्दी बनाना पॉसिबल हो पाया है। और अब जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से कोर्सेज करने के ऑप्शंस हैं। बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़ा कोर्स करने के लिए आप 10th क्लास पास करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में बहुत से कोर्सेज के ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज। अगर आप 10th क्लास पास कर चुके हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 3 साल तक होती है। इसके लिए आपको स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट को पास करना होगा। बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी कोर्स करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट साइंस सब्जेक्ट में हो, क्योंकि अगर आप साइंस में नई रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज करने के लिए पैशनेट नहीं होंगे तो इस फील्ड में आने का कोई भी खास बेनिफिट नहीं होगा। बात करें अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में बीएससी करना चाहते हैं तो इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है, जबकि बीटेक कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल की होती है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स से क्लियर करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होगा। जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज में मेरिट बेस पर डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। अब बात करें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की, तो बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन के बाद आप चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी या एमटेक कर सकते हैं। ऐसा करके आप इस सब्जेक्ट पर अपनी अच्छी कमांड भी बना लेंगे और इस फील्ड से जुड़े बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज को भी आप हासिल कर पाएंगे।
इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की होती है। बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी और एमटेक करने के लिए आपको गेट और आईआईटी जेएएम जैसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने होंगे। डॉक्टोरल प्रोग्राम्स की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद अगर आप डॉक्टोरल डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको पीएचडी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना होगा। इसकी ड्यूरेशन 3 से 4 साल की होती है जो रिसर्च वर्क पर डिपेंड करती है। बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के दौरान इनमें से कोई एक स्पेशलाइजेशन कोर्स चुना जा सकता है। जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, वीरोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोस्टेटिक्स, एनिमल हस्बेंड्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्सेज करने के लिए कुछ बेटर इंस्टीट्यूट हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग यानी कि BSBE, IIT बॉम्बे, डिपार्टमेंट ऑफ बायो केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायो टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी IIT रुड़की, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग IIT कानपुर, सेंटर फॉर बायो टेक्नोलॉजी अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद। और आइए अब जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी में करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी में एजुकेशन पूरी करने के बाद आप बहुत से फील्ड्स में से अपने पसंद करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे मेडिकल राइटिंग, हेल्थ केयर सेंटर्स, एनिमल हस्बेंड्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिसर्च लेबोरेटरीज, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर, IIT कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपको एनवायरमेंटल टेक्नीशियन, फूड सेफ्टी टेक्नीशियन, फार्मास्यूटिकल रिसर्च टेक्नीशियन, बायोलॉजिकल सप्लाईज मैन्युफैक्चरर और क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जैसे जॉब ऑप्शंस मिल जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट होने यानी बीटेक कर लेने के बाद आप लेबोरेटरी असिस्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और एसोसिएट प्रोफेसर जैसे जॉब ऑफर पा सकते हैं। लेकिन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी एमटेक कर चुके हैं तो आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस काफी बढ़ जाते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, बायो एनालिटिकल केमिस्ट, मेडिकल बायो केमिस्ट, एनवायरमेंटल केमिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट जैसे ऑप्शंस आपके लिए है। और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी पूरी कर लेते हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर बन सकते हैं, प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हैं और क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लीड बायोटेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, रिसर्च साइंटिस्ट और पेटेंट सर्च एनालिस्ट भी बन सकते हैं। मतलब काफी सारे ऑप्शन हैं। और जहां तक सैलरी की बात की जाए तो ये आपके कोर्स और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, साथ ही उस कंपनी या फर्म पर भी जिसके लिए आप काम करते हैं। फिर भी अंदाजे के तौर पर ये बताया जा सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशर को 20,000 पर मंथ सैलरी मिल सकती है। इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही कुछ फेमस फर्म्स हैं: बायोकॉन लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड यानी कि IIL, वॉकहार्ट, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, पिरामल ग्रुप और सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड। वैसे आपको ये जानकर के खुशी होगी कि भारत वर्ल्ड के टॉप बायोटेक्नोलॉजी डेस्टिनेशंस में से एक है और यहाँ 350 से भी ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जो इस फील्ड में तेजी से आगे काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। इस बात से आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि भारत में रहते हुए बायोटेक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कोर्स करके आप एक शानदार करियर बना सकते हैं। लेकिन इनोवेशन और रिसर्च से रिलेटेड इस फील्ड में सफल होने के लिए आप में बहुत सारा पैशन चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है, और हार्ड वर्क भी इस फील्ड की पहली डिमांड है। तो दोस्तों, क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी जितनी सारी बातें थी, जितने सारे सवाल थे, उनका जवाब आपको जरूर मिला होगा। फिर भी कोई बात आप पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। वैसे इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो आपसे मुलाकात होगी आगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।